हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो के लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये कार्डबोर्ड के दो पीसेस। इस पर मैं 21 सेंटीमीटर बाय 21 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर मार्क कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको पेपर कटर और स्केल की हेल्प से कट कर लूँगी। अब मैं इन दोनों पीसेस को फेविकोल की हेल्प से ज्वाइन कर रही हूँ। मेरे पास बड़ा कार्डबोर्ड नहीं था इसलिए मैंने दो पीसेस लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा कार्डबोर्ड है तो जस्ट गो फॉर इट। मैं इसको मास्किंग टेप की हेल्प से और ज़्यादा स्टर्डी बना रही हूँ ताकि ये बिल्कुल भी हिले नहीं और एक ही कार्डबोर्ड पीस की तरह दिखे। देखिए बहुत ज़्यादा स्टर्डी हो गया है, यहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है। अब मैं इनके एजेस को भी मास्किंग टेप की हेल्प से छुपा दूंगी। ओके, इतना करने के बाद में अब मैं एक ब्लैक कलर की सेम साइज की शीट ले रही हूं और इसको मैं इस पे स्टिक कर दूंगी। गाइस, फेविकोल को अगर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से तो जब हम पेपर पेस्ट करेंगे तो उसमें बबल्स नहीं आएंगे। ओके, अब मैं इसको साइड में रख दूंगी और अब मैं लूंगी एक रेड कलर की शीट जिसमें मैं 3.5 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने 4 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, इनको मैं फटाफट कट कर लूंगी। मैंने सेम साइज के कार्डबोर्ड पीसेस लिए हैं, इसके एजेस को मैं मास्किंग टेप की हेल्प से छुपा दूंगी। ओके, सो इतना करने के बाद अब मैं रेड कलर की शीट को कार्डबोर्ड पे स्टिक कर दूंगी। मैं इन सर्कल्स को स्क्वायर की साइड्स के बीच में स्टिक करना चाहती हूँ तो इसलिए पहले मैं मार्किंग कर लूंगी ताकि मेरा जो पीस है वो एकदम भी डिसबैलेंस नहीं दिखे। सारी मार्किंग फिनिश करने के बाद में मैं इनको स्टिक करना स्टार्ट करूंगी। मैंने कट किया है 3.5 इंच का एक स्क्वायर, उसको मैं मिड में स्टिक कर दूंगी। ये है पेपर स्ट्रॉ, इनको भी मैं स्क्वायर के साइज का कट कर लूंगी। इसके ऊपर का जो पैटर्न है वो मेरी थीम के साथ में नहीं जा रहा है इसलिए मैं इसके ऊपर सिल्वर कलर का टेप को रैप कर दूंगी कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद में मैं इसको स्टिक कर दूंगी। मैंने स्ट्रॉस को यूज करूंगी टू कनेक्ट द सर्कल्स कुछ इस तरीके से। इनको भी मैं सिल्वर टेप से रैप करके स्टिक कर दूंगी। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मिरर्स जिनको मैं कुछ प्लेसेस पे स्टिक कर दूंगी। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डेकोरेट इट, माय बेस इज रेडी सो जस्ट एंजॉय द प्रोसेस ऑफ डेकोरेटिंग दिस पीस। उसके बाद में मैं ले रही हूँ ड्रॉप शेप्ड कुंदन जिनको मैं मिरर के बाहर स्टिक कर दूंगी। उसके बाद में मैं यूज करने वाली हूँ 3D आउटलाइनर्स टू डेकोरेट दिस पीस। इनको यूज करना बहुत ही इजी है, ये बहुत ही स्मूथ है, आप इनसे कोई भी डिजाइन इजीली बना सकते हैं। ये है हाफ कट बीड्स, ये ऑलरेडी इनके साथ में ग्लू होता है तो मुझे ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है।
तो उसके साथ ही मेरी डिज़ाइन उसमें फिनिश होती है। अब मैं यहाँ पर रख दूंगी इस पे टी लाइट कैंडल्स, आप चाहें तो दिया भी रख सकते हैं छोटे वाले। मैं इनको स्टिक नहीं करूंगी ताकि जब ये फिनिश हो जाए तब मैं इनको रिप्लेस करके दूसरी रख सकूं। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप इसको अपने पूजा घर में या फिर ड्राइंग रूम में या फिर जहाँ पे आपने रंगोली बनाई है या फिर घर में किसी भी जगह पे रख सकते हैं दिवाली में डेकोरेट करने के लिए। कैंडल्स जलाने के बाद में ये और भी अमेजिंग लग रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने दिवाली के ऊपर एक और वीडियो डाला है, उसको भी ज़रूर देखें मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।